सकारात्मक सोच एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के लिए समर्पित हरिओम सेवा न्यास द्वारा इंदौर के गुप्ता एवं गांधी परिवार के यहाँ आयोजित वैवाहिक समारोह की शुरुआत रचनात्मक एवं प्रेरणादायक आयोजन के जरिए आमजनों को सार्थक संदेश देते हुए की गई है। गणतंत्र दिवस पर विवाह बंधन में बनने जा रहे लक्ष्य गुप्ता एवं श्रेया गांधी ने स्टार चौराहे के पहले स्थित दिव्य शक्ति पीठ परिसर में पौधारोपण करने के साथ विवाह में शामिल होने आए मेहमानों को भी इस कार्य का सहभागी बनाया। अतिथि के रूप में उपस्थित महामंडलेश्वर दादू महाराज दिव्या गुप्ता एवं ब्रह्म कुमारी अनीति दीदी ने इसे प्रेरणादायी कदम बताते हुए उन्हें बधाई दी। वर लक्ष्य के पिता राजेश गुप्ता एवं वधु श्रेया के पिता संजय गांधी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु दिए जाने वाले विभिन्न तरह के संदेशों में एक कोशिश उन्होंने भी इस माध्यम से की है। वैवाहिक समारोह में शामिल होने आए परिजनों एवं मित्रों ने भी इस दौरान परिसर में करीब 150 पौधों का रोपण कर अपने परिवार में विवाह समारोह के अंतर्गत एक पौधा लगाने का संकल्प भी लिया। राजेश गुप्ता ने बताया कि विवाह समारोह के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह की शुरुआत सभी आगंतुकों की मौजूदगी में नवयुवक द्वारा ध्वज वंदन कर किया जाएगा। इस दिव्य प्रांगण में मैं यह शपथ लेता हूँ कि जब भी हमारे परिवार में पाणी ग्रहण संस्कार या अन्य कोई मांगलिक कार्य हो तो हम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, उसे और बड़ा करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक सौगात रहे। पाणी ग्रहण संस्कार में जाने का अवसर प्राप्त होता है, कई कई बार तो एक एक दिन में 10-10, 15-15 जगह हो, लेकिन वहाँ पर जाकर हम लोग क्या देखते हैं, सामने वाले का आग्रह प्रेम रहता है, महिला संगीत देखा जाता है, देखना पड़ता है, एक दो नृत्य देखना पड़ते हैं। वहाँ पर 100-100 किलो के पुरुष महिला गोविंदा के डांस पर नाचते हुए दिखते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार में लड़की लड़के आजकल तो लिफ्ट से नीचे आते हैं, लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, इधर धुआं हो रहा है, उधर धुआं हो रहा है, उसमें अपना ध्यान लगाते हैं। शहर है, पैसा रहता है जेब के अंदर, तो सोचते हैं कि इसको किस प्रकार से ज़्यादा अपन प्रचलित करें, प्रवाहित करें और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। सबसे पहले तो कार्ड से प्रारंभ होते हैं कि कार्ड कितना महंगा होना चाहिए, यहाँ से शुरुआत करके अंत तक जाते हैं कि भोजन के अंदर कितनी मिठाइयाँ बनना चाहिए और क्या क्या चीज़ इंदौर में लोकप्रिय है, जो बाहर से लोग आए उनको पान तक, आखिरी तक पान भी अच्छी जगह का ही होना चाहिए, वहाँ तक किस चीज़ सोचते हैं। उसके बीच में हमारे राजेश गुप्ता जी ऐसा कुछ चीज़ सोचते हैं कि गुरु महाराज अपन ऐसा क्या करें कि विवाह अपना एक प्रेरणा बन जाए, एक संदेश, एक अच्छा सा संदेश जाए। और आज यहाँ पर कल लक्ष्य और श्रेया कल साथ फेरे लेंगे, लेकिन एक दिन पहले ही उन्होंने 8वां फेरा आज लेने का उन्होंने प्रण करा। कितनी अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे शुभ संकल्प के अंदर उनके सामने, उनके साथ में उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और एक बार ताली आप सब अपने लिए भी बजाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से भी शायद एक या दो ही कोई व्यक्ति होगा जिसने ऐसा आयोजन कभी देखा होगा। जैसे गांधी जी ने बताया कि उनकी उम्र तक तो उन्होंने नहीं देखा, मैंने भी अभी तक ऐसा आयोजन नहीं देखा कि किसी के पाणी ग्रहण संस्कार में हम लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर मिठाई के पहले हमें बताया जाता है कि हमें एक पौधा लगाना है। गुप्ता जी, मैं चाहता हूं कि अपन इसको और आगे बढ़ाए, यहाँ पर ही अपन सबसे संकल्प दिलवा दें, अपन यहाँ पर सब लोग खड़े होकर संकल्प जरूर ले लें कि अब हमारे घर में जो भी अगला पाणी ग्रहण संस्कार होगा, जहां पर भी होगा, भारत में होगा, बाहर होगा, तो हम प्रयास करें कि एक पौधा तो हम जरूर लगाएं। एक ऐसा सोच रही कि मैं शुरू से ही
पर्यावरण के संरक्षण गतिविधियों में 10 साल से सक्रिय हूँ। कुछ ओकेजन सोच रहे थे, बेटे के ओकेजन में ये जगह एकदम से ही 10-15 दिन पहले ही हमको मिली और हमने शुरुआत की और करीब 150 से 200 पेड़ लगाने का संकल्प लिया और आगे भी हम करते रहेंगे ये सारे संकल्प कि जो पर्यावरण संरक्षण भी करें और आगे सभी को प्रेरणा भी मिले, जिससे अपना आगे जो भविष्य में जो पीढ़ी आ रही है वो उसको शुद्ध हवा और वातावरण प्राप्त हो। शादी में हम अभी राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर रहे हैं, सुबह 9 बजे सबसे पहला प्रोग्राम, उसमें सारे ही लोग राष्ट्रीय गान करेंगे और अपना देश की सेवा का संकल्प और सब चीज़ें लेंगे। बच्चा अभी सिविल इंजीनियर है, उसने मास्टर डिग्री कर ली US में, अभी वहीं जॉब कर रहा है और बहू भी जो बेटी है मतलब वो भी आर्किटेक्ट इंजीनियर है, वो भी अभी MS करने के लिए जा रही है। बाकी 2 साल बाद उनको वापस हम यहीं बुला रहे हैं कि भाई यहीं देश में ही सेवा करें, पर आगे फिर बच्चों का भविष्य कहाँ कहाँ रहेगा वो लग सकते हैं। इंदौर में कहाँ रहते हैं? मेंदर में मैं रेडिसन होटल के सामने ही रहता हूँ, वहीं मेरा ऑफिस और घर दोनों ही हैं। कौन सी कॉलोनी? स्कीम नंबर 94। बच्ची कहाँ की? इंदौर की है। संकल्प आप दिला रहे थे बच्चों को, उनको पता था कि इस तरह? हाँ, उनको पता था और शुरू से पता है कि पापा का है ही कहीं ना कहीं। वैसे रेडिसन होटल के जस्ट अपोजिट वाले ग्रीन बेल्ट में भी 10-15 पेड़ हमने 2 साल पहले लगाए थे, अभी 10-12-15 फीट के हो गए। ये आज वृक्षारोपण हुआ है, क्या इसका ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा, मैं हम रेगुलरली हम पूरा टीम यहाँ पे ध्यान रखेंगे रोज सुबह आके। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, छोटे छोटे कदम हमें हमारे विवाह से इसको जोड़ने का एक बड़ा मैसेज था कि जो स्वामी जी ने बताया कि छोटे छोटे हमारे घरों में, परिवारों में, समाज में, जीवन में छोटे छोटे मांगलिक कार्य होते हैं और उन्होंने सिर्फ एक पेड़ का जिक्र किया कि अगर प्रत्येक मांगलिक कार्य पर सिर्फ एक पेड़ लगाएं तो इससे समाज में बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके लिए किसी कानून आंदोलन या कोई, मैं किसी इसको सरकार या राजनीतिक दल से नहीं जोड़ता, लेकिन ये छोटे छोटे कदम राजेश जी का एक प्रयास और सोच दिखने में छोटी है लेकिन इसके परिणाम बहुत वृहद और बहुत दूरगामी हो सकते हैं। ये देश और समाज की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं छोटे छोटे प्रयास। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि ये संदेश समाज के हर कोने में पहुँचे। बस छोटे छोटे जागरण की आवश्यकता है, हमारे धर्म में, संस्कृति में, समाज में पहले से ही ये चीज़ें मौजूद थी। हम आज के इस जीवन की अंधी दौड़ में पता नहीं ये चीज़ें कहाँ खो गई, बस जरा सा इनको टटोल के याद दिलाने की ज़रूरत है, ये बहुत जल्दी जागृत हो जाएंगी और बड़ी क्रांति ले आएंगी।